हम तन्हा बोलते हैं तो पूरे मोहल्ले में आवाज़ जा रही है, आप इतने सारे लोग मजमा में हैं तो यहाँ तक भी सलाम का जवाब नहीं आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बेदारी आई है, दिल खैराबादी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को बेदार कर दिया है, अल्लाह हमेशा इनको भी बेदार रखने की तौफीक अता फरमा दे। हजरात सिर्फ आपसे चंद बातें करनी हैं, सिर्फ पांच बातें आपसे करनी हैं। कितनी बातें करनी हैं? या वो बातें पाँच मिनट में ख़त्म हो जाए या पाँच घंटे में ख़त्म हो जाए, सुनेंगे ना भाई? बिल्कुल सुनेंगे। कितने आदमी सुनेंगे, हाथ नीचे रखें। ये कौम है बेदार कौम। जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं वो भी बैठ जाएं। मीने सिर्फ पांच बातें आपके सामने करनी है। आपके दयार में पहली मर्तबा आना हुआ है और ये मुजाहिद भाई की जो है मोहब्बत जो यहाँ तक खींच लाई है कि भाई यहाँ के इलाके के लोग बहुत जो है मोहब्बत आपसे रखते हैं, वहाँ आप चले तो मैं यहाँ तक जो है आपके दयार में आया हूँ। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दिल खराबादी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فاستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم لكنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر لكنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नयाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वा अकाल मूरत अजूनि सै भंग यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तं सम्प्रशनं भुवनायन्ति यनिहा यः शास्त्रावेदी मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रदात् परां शान्तिमस्थानं शियासि शाश्वतम्
अंधं तमः पिरावसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियाम्रतः वेदाह्मदं पुरुषं महात्मा वरन तमसः परस्तात्। समझ में कुछ आया? नहीं आया। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रोलाऊं तो बगावत है। आज समझ करके जाइए, समझ करके कि जो बात बताई जा रही है उस बात को समझना है और दिलों के गहराइयों में उतारना है और उतार करके इस बात को समझाने की कोशिश करनी है। हमारी यह जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक ने कायनात में जितनी भी चीजें बनाई है, कायनात के सर्रे सर्रे में जितनी भी चीजें बनाई है वो इंसान के फायदे के लिए बनाई है, लेकिन रब ने इंसान को बगैर फायदे के नहीं बनाया है। हर चीज से इंसान फायदा उठाता है, लेकिन हम जिस चीज के लिए बनाए गए हैं, कभी हमने सोचा है कि उस परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है? कुरान को जब हम खोलते हैं, कुरान को जब हम खोलते हैं, कुरान के औराक को सामने लाते हैं, तो कुरान ये कहता है कुल तुम खैर उम्मत नुखियत लिन्नास, कुल तुम खैर उम्मत नुखियत लिन्नास तामरून बिलमारूफ व तनहून अनिल मुनकर। इस कौम ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। जिस कौम ने अपने बनाने वाले रब के किताब को छोड़ दिया और अपने जो है रसूल के कहने से हट गई, उस कौम का नामो निशान रब ने मिटा दिया है। अल्लाह अकबर, बेशक। कुरान को उठा करके देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने नबी की बात को नहीं मानी, अल्लाह ने पानी का सैलाब से पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने दौर के नबी की बात को नहीं मानी, अल्लाह ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों, अगर तुझे जिंदा रहना है, हिंदुस्तान को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, अपने मदारिस को बचाना है, अपने बच्चे के ईमान को बचाना है, तो कुरान को पढ़ो, मदारिस को बचाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते। नारे तकबीर, मुसलमान नारे तकबीर, मौलाना साजी साहब चतुर्वेदी, वाह भाई वाह, ये मदरसा है तेरा, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। भाई अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो मुझे बोलने में मजा आएगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो लगता है आप लोग मार करके भागेंगे क्या? हमको डर लगता है भाई, खड़े वाले लोगों से बहुत डर लगता है, ऐसा ना कहीं मार करके भागे। लेकिन ये कौम बहुत बेहतरीन कौम लेके बैठ गई है, कौम अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए, मैं अपनी बात की तरफ मैं चलता हूँ और थोड़ा आप जगह दे दीजिए, जगह दीजिए अपने दिल की गहराइयों में। ये हमारे हिंदू भाई है कौन, ये हमारे हिंदू भाई है कौन? मुसलमानों, आज जो गलत फहमियां फैली हुई है कि ये हमारे गैर है, ये हमारे भाई नहीं है, ये हमारे गैर है, नहीं मेरे भाइयों, अरे हमारे सनातन धर्मी भाइयों, अरे हमारे बिरादराने वतन, अरे हमारे ईमान वाले भाइयों, अंतिम संदेश था, अंतिम दूत, अंतिम अवतार यानी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन रब्बकुम वाहिद व इन अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। एक माँ बाप की औलाद आपस में क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है? अरे बोलिए तो सही, अरे जम करके बोलिए। एक माता पिता की औलाद आपस में क्या कहलाती है? भाई भाई ना।
तो ये हमारे हिंदू भाई जो है, ये बिरादराने वतन जो है, ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे अपने भाई है। कसूर हमारा है कि हमने वहां तक पहचान नहीं कराई है। यही पहचान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ताइफ के मैदान में पत्थर खा करके पहचान कराई है। जी, जिसकी खूबसूरती पर चांद भी रात का चांद भी फेल, उस नबी के चेहरे पे थूक दिया गया, लेकिन नबी ने पहचान करानी नहीं छोड़ी। मुसलमानों, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी थी कि ये हमारे भाई है, इनसे जाकर के हम मिले और इनसे कहे कि सबसे पहले आने वाला इंसान यानी आदि मानु, उसका नाम क्या था? आदम अलैहिस्सलाम। अरबी में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम और संस्कृत में कहते हैं आदि मानु। तो सबसे पहले ईश्वर ने जिस इंसान को बनाया और बना करके जो है भेजा, तो अरब के अंदर नहीं भेजा, सिर्फ जो है अफगानिस्तान में नहीं भेजा, चीन और जापान में नहीं भेजा। रब ने सबसे पहले जिस इंसान को यानी आदि मानव को जिस धरती पर भेजा, वो इंडिया की धरती है। बंटवारा हो जाने के बाद आज वो जगह श्रीलंका में है, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है। ये सोने की चिड़िया है, ये इल्म का गहवारा है। जब हिंदू और मुसलमान एक होकर के इस हिंदुस्तान में थे, जब अंग्रेज ने इस पर हुकूमत करना चाहा, तो हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर के अंग्रेज के छक्के छोड़ा दिए। यहाँ तक कि अंग्रेज को भागना पड़ा तो मजबूर होकर के अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। तो सबसे पहले ईश्वर ने इस धरती पर आदि मानव को भेजा, यानी आदम अलैहिस्सलाम। अब ये बताइए, जब हम लोग किसी के यहां जाते हैं मेहमान, तो खाली हाथ जाते हैं या कुछ लेकर के जाते हैं? कुछ लेकर के जाते हैं ना। अगर नहीं लेकर के जाए तो लोग क्या कहते हैं? बहुत बड़ा बख्शील आदमी है, कहता है ना। वो मालिक, वो परमेश्वर जो सबसे बड़ा दयालु है, उसके यहां से जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो खाली हाथ आए क्या? कुछ तो दिया होगा ना। क्या दिया था? क्या दिया था? उसका नाम था धर्म, उसका नाम था धर्म। उस धर्म का नाम है संस्कृत में यानी सनातन धर्म, और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, और उसी को अरबी में कहते हैं कय्यिम धर्म। यानी सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म जो आगे भी रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अगर अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ذلك دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन कय्यिम। बात समझ में आ रही है? कितने आदमियों को समझ में आ रही है बात? सबको आ रही है समझ में आई बात? जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है, माउन है, पानी के कितने नाम हो गए? छः। लेकिन चीज़ एक ही है, तो ये संस्कृत में है और ये है अरबी में। तो हम सबका बाप एक, जो धर्म लेकर के आया वो धर्म एक, और जिस मुल्क में हम रहते हैं वो मुल्क हमारा एक। तो आपस में हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, हम एक माता पिता की संतान है। अब जिसने हमें पैदा किया वो ईश्वर कैसा है? अब हम देखते हैं थोड़ा वेद को उठा करके। वेद में है ऋग्वेद के मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो वेधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संप्रशनम भुवनायन्ते अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तनहा है। बात आई समझ में?
ईश्वर की कितनी पहचान, तीन कितनी, नंबर एक वो अजन्मा है, उसकी पैदाइश नहीं हुई, वो हमेशा से है यानी अजन्मा है, एक। नंबर दो वो दिखाई नहीं देता, ईश्वर अल्लाह यानी दिखाई नहीं देता। नंबर तीन वो अलख निरंजन है यानी उसको मौत नहीं आती। अब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए, उनको मौत आई कि नहीं आई, अगर कोई हिंदू या मुसलमान मोहम्मद साहब को ईश्वर मान करके उसकी पूजा करे तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? वो तीन चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती है। अब हम हिंदुस्तान में आइए, हिंदुस्तान में 80% आबादी हमारे बिरादरान वतन यानी सनातन धर्मी भाइयों का है, वो श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं यानी ईश्वर मानते हैं। तो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, उनकी शादी ब्याह हुई कि नहीं हुई, अपने जमाने में दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए, उनको मौत आई कि नहीं आई। अगर आप कोई हिंदू या मुसलमान श्री कृष्ण जी की पूजा करे तो चलेगा, नहीं, क्योंकि वो तीन क्वालिटी उसके अंदर नहीं पाई जाती है, क्योंकि ईश्वर वो है जो जन्म से पाक है यानी अजन्मा है, वो दिखाई नहीं देता, वो अलख निरंजन है, उसको मौत नहीं आती। ये तीन चीज मोहम्मद साहब में नहीं पाई जाती है, श्री कृष्ण जी राम जी में नहीं पाई जाती है, इसलिए उसकी पूजा नहीं होगी। पूजा किसकी होगी? उस ईश्वर की होगी जो निराकार है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जिसका कोई स्टेचू नहीं है। वेद ने कहा है न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई ढांचा नहीं है। तो जो है ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एक तम संपरशनम भुवनायंतयनिया, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी अल्लाह के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उस एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। क्या यह चीज कुरान में भी है? थोड़ा वेद और कुरान को थोड़ा देखते हैं कंप्रोमाइज कर करके। तो जब हम कुरान को खोलते हैं तो कुरान के सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि कह दो कि वो अल्लाह एक है, अकेला है, तने तना है, न उसका बेटा है, न बेटी है, वो न किसी का बाप है, उसका न कोई बाप है, उसका कोई संतान नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे भाइयों, ये 80% जो आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, ये बिरादरान वतन की है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसके बीच में जा करके, उसके घरों पर जा करके इस बात को हम पहुंचाए और इस बात को हम बताए कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हम सबका जो है पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हम सबका मालिक एक है। तुम इस मालिक के ऊपर आस्था लेकर के आओ जो अजन्मा है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको मौत नहीं आती। ये जिम्मेदारी किसकी थी मेरे भाइयों? ये जिम्मेदारी ईमान वालों की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह के बंदों को, जो अल्लाह के रास्ते से हट गए हुए हैं, दीन से हट गए हुए हैं, उसको जाकर के बताने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम लोगों ने जिम्मेदारी को छोड़ा है, हम लोगों ने इस काम को छोड़ा है जिसके बिना पे अल्लाह का अजाब है। मेरे भाइयों, एक बात मैं बताऊं आपको, अल्लाह न करे कि अपने मोहल्ले में चारों तरफ से मुसलमान का घर है और बीच में एक बिरादरान वतन का मकान हो, और ईश्वर न करे कि उसके घर में आग लग जाए, अगर लग गया तो आप छोड़ देंगे उसको बुझाना? भाई छोड़ देंगे? क्यों बुझाएंगे आप?
क्यों बुझाएंगे? क्यों? अगर वो आग न बुझाया जाएगा तो हमारे भी घर जल जाएंगे और पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, अगर ये दुनिया का आग जो है पानी से बुझ जाने वाला आग है, इसको सबसे बड़ी दर्द ये है, सबसे बड़ी दर्द इसके लिए ये है कि इसको ऐसी तालीम दे दो, ऐसे आग से बचा लो जो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग से बच जाए। यही काम तो हम सबका था, यही जिम्मेदारी तो हम सबकी थी, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, बुराई से रोकते हो और अपने आप को बचते हो, अपने समाज को बचाने की फिक्र करते हो। भलाई में सबसे बेहतरीन भलाई है कि किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लिया जाए। यही काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही काम किया। पेट पर पत्थर बांध करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया है, और आखिरी खुतबे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा था, ऐ मेरे सहाबा जो यहां हाजिर है वो सुन ले, गायबीन तक ये बात को पहुंचा दे। लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी को छोड़ा है, जिसके बिना पे आज दुनिया हमें तंग नजर आती है। तो एक ईश्वर की पूजा होगी, एक अजन्मा की पूजा होगी। अब जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, उसके बारे में कुरान क्या कहता है, उसके बारे में वेद क्या कहता है, हमारे सनातन धर्मी भाई कहते हैं ये वेद हमारी आसमानी पुस्तक है, यानी आदि ग्रंथ है। चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, अल्लाह ने 100 सहीफे नाजिल किए हैं, 4 किताबों का जिक्र जो है कुरान में है, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान, बाकी किताबों का जिक्र कुरान में नहीं है। लेकिन कुरान में अल्लाह पाक ने कहा, वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, कुरान ने कहा है कि हमने 100 सहीफे भी जो हमने नाजिल किए हैं। हाँ चलो थोड़ी देर के लिए वेद को हम मान लेते हैं, हमारे हिंदू भाई का अकीदा ये है कि वेद हमारी धार्मिक पुस्तक है, तो हम अपने हिंदू भाइयों से हम कहेंगे वेद को उठाते हैं, यजुर्वेद को उठा करके जब देखते हैं, उसके मंत्र को जब पढ़ते हैं, तो लिखता है उसके अंदर, अंधन तमह पिरावसंते असंभूते मोपासते ततो अभुवा एवतियाम्रता, के जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, ऐसे लोग घोर अंधकार में गिरेंगे, यानी जहन्नम में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो लोग गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा। बात आ रही है समझ में? उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरते हैं जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा। क्योंकि ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, कोई स्टेचू नहीं है, न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसः, उस ईश्वर का कोई जो है रूप नहीं है, उसकी कोई स्टेचू नहीं है, वो क्या है? प्रकाश है, रोशनी है। कुरान ने कहा अल्लाह नूर समावाती वल्लर। तो ये हमारे भाई है ना, ये हमारे हिंदू भाई हमारे भाई है ना, हमारा भाई रास्ता भूल गया है ना, वो रास्ता से उसकी गाड़ी हट गई है ना, अब बताएगा कौन? मेरे भाइयों, जब अपना भाई जब बीमार पड़ जाता है और जब कुछ दर्द अगर होता है तो हम लोग उसके लिए मस्जिदों में दुआ करते हैं, क्या ये भी तो हमारे अपने भाई हैं? अंतिम संदेशता मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है, तो हम सब आपस में एक माता पिता की औलाद है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो ये बात बताएगा कौन? क्योंकि उसको
जो है जानकारी नहीं है, उसको ये मालूम नहीं है, तो उसको बताने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बताने की जिम्मेदारी ये ईमान वालों की है, ये मदारिस वालों की है, ये मकातिब वालों की है कि मदारिस के असातिज़ा, मदारिस के तलबा वेद और कुरान और गीता रामायण को पढ़े और उनको जा करके बताए कि जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो, जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो, जिस स्टैचू की तुम पूजा करते हो, असल में इसकी पूजा करने से तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो, उसके लिए तुमको एक न्याकार ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी जिसका कोई स्टैचू नहीं है। और यह जिम्मेदारी हम सब की है, अगर हम नहीं करेंगे तो याद रख लीजिएगा कल कयामत के दिन अल्लाह अगर हमसे पकड़ ले, अल्लाह हमसे पूछ दे तो हम बख्शे नहीं जाएंगे, हम बख्शे नहीं जाएंगे। एक हाजी हज करके आया है, पांचों वक्त नमाज पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है, सब कुछ वह कर रहा है, लेकिन उसकी दोस्ती एक गैर मुस्लिम से है, शादी ब्याह में दावत देता है, उसको बुला करके बात भी करता है लेकिन उसको इस्लाम की दावत नहीं देता। कल कयामत के दिन जो है पूरी दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लोग अल्लाह के सामने होंगे। एक जो है मिथिलेश कुमार को हाजिर किया जाएगा, कहा जाएगा कि जहन्नम में डाल दो, मिथिलेश कुमार कहेगा ऐ ईश्वर ये मौलाना साजिद साहब मेरे साथ खाते थे, पीते थे, सोते थे, बैठते थे, शादी ब्याह में हमको बुलाते थे, हर चीज में दुख दर्द में हम जाते थे, लेकिन जो है आपके बारे में नहीं बतलाया, आपकी पूजा करने के बारे में नहीं बतलाया, मेरा क्या कसूर है, मैं तो अनपढ़ और गंवार जाहिल आदमी था, मुझे नहीं बताया। उस वक्त मेरे भाइयों अल्लाह अगर कह दे कि मिथिलेश कुमार के साथ मौलाना साजिद को जहन्नम में डाल दो तो अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमने अल्लाह के सामने वादा किया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। हमने इस काम को छोड़ा है, इस काम को करना चाहिए और यह जिम्मेदारी है। मैं आपके सामने हूं, मैं मंदिरों में जाता हूं हर जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद मैं मंदिरों में जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से मैं काम कर रहा हूँ मंदिरों में जाना, अब तक के मैं आपके सामने जिंदा हूँ। हमें डर बैठ गया है, हमें डर लगने लगा है कि मैं मंदिरों में जाकर के कहूँगा तो कोई मुझे मारेगा, मैं इनके घर पे जाऊँगा मैं बच करके नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं ऐसे मुसलमानों का ईमान कमजोर है, जो अल्लाह नमरूद के आग में इब्राहिम को बचा करके दिखाया है, वो अल्लाह यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाला अल्लाह ने बचाया, तो अजीज मिस्र का खजाना जो है अजीज मिस्र का खजाना का वजीर बना दिया। गारे सौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के मुशरिकीन मक्का मारने के लिए आए हैं, गारे सौर में अल्लाह ने बचाना चाहा तो दुश्मनों के आंख पे पट्टी को डाल दिया। हजरत बिलाल को दुश्मनों ने मारते मारते थक गए, लेकिन हजरत बिलाल मार खाते खाते न थके, अल्लाह ने बचाना चाहा तो अल्लाह ने बचा लिया। अरे मुसलमानों ये ईमान एक ऐसी पावर है, ऐसी एक ताकत है, इस्लाम सच्चा मजहब है, बेहतरीन मजहब है, अल्लाह को तमाम मजाहिब में सबसे प्यारा मजहब अगर है तो वह इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, इस इस्लाम को लेकर के तुम मंदिरों में जाओ, बताने का तरीका सीखो, इनके घरों पर जाओ और ईश्वर की बात को बताओ। अगर बताने के वक्त में अगर कोई तुझे मार भी देता है तो याद रखो तेरा शुमार शहीद में होगा, तेरा शुमार शहीद में होगा। लेकिन मैं जुमा के बाद मंदिरों में जाता हूं, मेरे मोबाइल पर देखेंगे और वहां जाकर के यही बात मैं बताता हूं कि अंधन तमह पेरावसंते असंभूते मोपासते ततो अभुवए वतियामतः, कि जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की पूजा करते हैं ऐसे लोग घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं और उसको फिर हम बताते हैं, लोग गले लगाते हैं। ये जुमा के दिन करता हूँ और इतवार के दिन जोहर की नमाज के बाद
10 हिंदू भाइयों के घरों पर मैं जाता हूं, ये हमारे भाई हैं, 10 हिंदू भाइयों के घरों पर मैं जाता हूं और उनको यही बात मैं बताता हूं। यही वो काम है जिस रास्ते पर अल्लाह ने कामयाबी का वादा रखा है, हमें करने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने दी है, लेकिन सीखना भी है कि इसको सीखा जाए कैसे, इसको समझा जाए कैसे, फिर उनको हिंदी में कुरान दो। आज कुरान जब किसी गैर मुस्लिम को हिंदी में हम कुरान देते हैं तो कहते मौलाना वो नापाक रहता है, उसको आप कुरान देते हैं। हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा 60% इस वक्त मुस्लिम बच्चा जो खड़े खड़े पेशाब करता है, मुसलमानों का 60% बच्चा, 100 में से 60% लड़के ऐसे मिलेंगे 100 में से जो खड़े खड़े पेशाब करता है और बगैर पानी के पेशाब करता है। वो तुम मुसलमान हो, तेरे ऊपर जिम्मेदारी थी पाक रहने का, अन्निजाफतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। आज मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा गंदगी और सबसे ज्यादा बेकार मोहल्ला अगर मिलेगा तो मुस्लिम समाज का मिलेगा। कहते मौलाना उसको आप कुरान दिए हैं जो खड़े खड़े जो है पेशाब करता है। मैंने कहता कि नहीं, कुरान में अल्लाह पाक ने कहा है, ये कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान को पढ़िए तो समझ में आएगी बात। हम कुरान कब पढ़ते हैं, जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, दादा मर जाए तब, या मियाँ बीबी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान, इन्हें कुरान पढ़ते हम लोग। अगर घर में कोई नहीं मर रहा है मौलाना को जल्दी बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ेगा मर जावे। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, अगर नशे की हालत में है रूह नहीं निकल रहा है तो मौलाना को बुलाओ कुरान पढ़ने के लिए, जल्दी मर जाए बूढ़ा। ये कुरान मारने के लिए आया था क्या? अरे कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदा किया है कुरान ने, मुर्दा को जिंदा किया है कुरान ने। हजरत उमर है, ईमान नहीं लाने से पहले पत्थर दिल इंसान था, अरे चले हैं नबी को कत्ल करने के लिए, निगाहें पड़ी है कुरान पर तो अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन बना दिया है। कुरान को उठा करके देखे तो कुरान में अल्लाह पाक कहता है सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120, अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अगर सही मानों में इसको कुरान दिया जाता, अगर ये कुरान पढ़ते तो हक मान लेते। हम कुरान भी वहां तक नहीं पहुंचाते हैं, जिस नबी का हम नाम लेते हैं, जिस नबी ने मेराज में भी अपनी उम्मत को नहीं भूला, अल्लाह के सामने बात जब किया है, अल्लाह ने जब कहा है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो वहां पर भी आमना का दुर्रे यतीम अंतिम संदेश था मोहम्मद ने इस उम्मत को नहीं भूला, शबे मेराज में नहीं भूला। वो नबी जो आधी आधी रात तक कुरान की तिलावत करते करते फजर की आजान हो जाती, कभी या रब्बे उम्मती कहता, कभी या रब्बे उम्मती कहता, ऐ मेरे रब मेरे उम्मत का क्या होगा। वो नबी जो पेट पर पत्थर बांध करके इस उम्मत को जहन्नम की आग से बचाया, वो नबी जिसके जो है मुशरिकीन मक्का में नमाज पढ़ रहे हैं गले में चादर लगा करके खींच दिया, लगता है कि जान निकल जाएगी, उस वक्त भी वो नबी इस उम्मत को नहीं भूला। ताइफ में गए हैं, लोगों ने बात नहीं सुनी, लोगों ने फूल की जगह पत्थरें बरसाई है, लौट करके आते हैं
जहां पे कदम रखते हैं तो खून का निशान आता है। अल्लाह की रहमत जो है जलाल में आती है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, ऐ नबी तुम कहो इस दोनों पहाड़ के बीच में इसको दाब करके निस्तो नाबूद कर दू। उस वक्त भी वो नबी पत्थर खा करके भी इस उम्मत को नहीं भूला। आज इस उम्मत ने नबी के काम को भुला दिया है, नबी के शरीयत का मजाक उड़ाता है, नबी के सुन्नत का मजाक उड़ाता है। याद रख लेना, जिस काम ने अपने नबी के काम को भुला दिया, नबी के तरीके को भुला दिया, नबी के शरीयत को भुला दिया, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा करके भी कुरान को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया है। कुरान शाहिद है, पूरी हदीस शाहिद है, हयात तैयबा गवाह है कि पत्थर खा करके भी कुरान पहुंचाया है, अल्लाह का दीन पहुंचाया है। और ऐसे वक्त में आप सल्लम दुनिया से गए हैं कि 99% दीन पूरी दुनिया पे गालिब था। आज जब इस उम्मत को कहा जाता है तुम कुरान को पढ़ो और कुरान को हिंदू भाइयों तक पहुंचाओ, तो आज हम इस काम को नहीं करते हैं। मुसलमानों, इस काम को करने की बड़ी जरूरत है। हिंदू भाइयों को कुरान दीजिए, हिंदी में कुरान है, अगर वो पढ़ेंगे समझेंगे फिर वो अपने ईश्वर को अल्लाह को पहचानेंगे। श्री कृष्ण जी को ये लोग भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी गीता रामायण को नहीं पढ़ते हैं। जैसे मुसलमानों का हाल है यही हाल उनका भी है। जब गीता को उठा करके देखते हैं तो गीता के अध्याय 16 और श्लोक 23 में लिखा है, यह शास्त्र आवेदी मुत्सिरिज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम तमेव शरणम गच्छा सर्वभावे न भारत तत्परसदात पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। जो लोग इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके शरीयत को छोड़ करके मनमाना आचरण करके अगर वो जिंदगी गुजारता है तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे, जब उनसे कहा कि फिर हमें सुख कहाँ मिलेगी, तो वहीं गीता में लिखा है तमेव शरणम गच्छा सर्वभावे न भारत, के हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से तुझे शांति मिलेगी। अगर श्री कृष्ण जी ईश्वर होते तो क्या कहते, हर प्रकार से मेरे शरण में आ जा तुझे शांति मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, हर प्रकार से उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से तुझे शांति पर्याप्त हो। तो ये लोग भी नहीं पढ़ते हैं। और हमारे अब एक मंत्र का मैं तर्जुमा करके बात खत्म करता हूं, कोई आदमी जाए नहीं, दुआ होगी इंशाल्लाह। ये अंतिम संदेश था ये मोहम्मद साहब के बारे में। आज हमारे हिंदू भाई जो गलतफहमियां फैला रहे हैं, और यही जो है हमारे, हम इस यही बात अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि जब हमारा बाप एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा मुल्क एक है, हमारा पैदा करने वाला ईश्वर एक है, तो हमारा पैगंबर भी, हमारा नबी भी एक है, हमारा अवतार भी एक है। क्या वेद के अंदर भी लिखा हुआ है कि अंतिम संदेश था मोहम्मद साहेब जो है इसी धरती पर आखिरी अवतार है, यानी अंतिम संदेश था है, अंतिम दूत है। तो वेद को उठा करके देखते हैं, वेद में लिखा हुआ है वेदा अहमदम पुरुषम
महात्मा वरण तमसह परस्तात। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, हर स्कूल में हर बस के पीछे लिखा हुआ रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर लिखा रहता है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ लिखा रहता है। देखा ना आप लोगों ने, कितने आदमी ने देखा, उठाइए तो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा किसने दिया, ये नारा किसने दिया? मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं मुसलमानों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरी दुनिया में आज से 1400 साल पहले जब इस धरती पर औरतों के साथ अन्याय हो रहा था, औरतों को गलत इस्तेमाल किया जाता था, जिसके घर में बेटियां पैदा होती वो लोग अपने आप को मनहूस समझते थे, अपनी जो है चहेती बेटी को, अपनी लाडली बेटी को बाप कंधे पर बैठा करके और कंधे पर कुदारी लेकर के सुनसान जगहों पर जाकर के गड्ढा खोद करके अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे। और वो बेटी बाप से पूछती थी, अय अब्बू, अय मेरे बाप, मेरा क्या कसूर है, आप यहां क्यों लाए हैं? लेकिन वो जालिम बाप अपनी बेटी, मासूम बेटी की एक बात नहीं सुनता और गड्ढा खोद करके उस बेटी को उसके अंदर जिंदा जो है गाड़ करके चला आता और अपने आप को कहता कि मैं आज बड़ा काम किया हूं। जब जिंदा इंसान बेटी को, जब माओ को, जब जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसके साथ जो अन्याय किया जाता था, उस ईश्वर को जोश आना था, अल्लाह की रहमत जोश में आई और ऐसे एक इंसान को पैदा किया, इस धरती पर पैदा किया, वो बिजली का करका था या सौते हादी, अरब की सभी जिसने हिला दी, उस ऐसे सुनसान जगहों पर, जलालतर अंधेरे की जगह पर, ऐसे पथरीली जगह पर अल्लाह की रहमत जोश में आई और अंतिम संदेश था, अंतिम अवतार, अंतिम दूत, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और उसने आकर के नारा लगाया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कोई भी आदमी अपनी बेटी को जिंदा नहीं गाड़ सकता, अगर वो माँ है तो उसके पांव के नीचे जन्नत है, बेटी है तो बेटी का मकाम मिलना चाहिए, बहन है तो बहन का मकाम मिलना चाहिए, माँ है तो माँ का मकाम मिलना चाहिए। तो किसी शायर को कहना पड़ा, अरे मेरी माँ तेरा आंचल हरे कांचल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हरे काजल से अच्छा है। आज से 1450 साल पहले अंतिम संदेश था, अंतिम अवतार मोहम्मद साहब ने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये किसी प्राय मिनिस्टर का नारा नहीं है, ये अंतिम संदेश था, अंतिम दूत का नारा है, जिसके बारे में कुरान ने भी कहा है और वेद ने भी कहा है, जिसके आने से तमाम लोगों को अन्याय और उनको इंसाफ मिलने लगा। उसका नाम है मुहम्मद और उसका नाम है अहमद और उसका नाम है नरासंस। नरासंस एक नाम है, कल की अवतार एक किताब है, उस किताब में आप पढ़ेंगे तो एक नाम आएगा नरासंस। नरासंस के माने आते हैं जिसकी तारीफ की गई है, जिसकी तारीफ हो रही है, जिसकी तारीफ होगी। जहां कहीं भी अल्लाह का नाम लिया जाएगा उसके बाद मोहम्मद का नाम आएगा, पहले अल्लाह का नाम अजान में, उसके बाद मोहम्मद का नाम आएगा, नमाज में अल्लाह के बाद मोहम्मद का नाम, जलसे में अल्लाह के बाद मोहम्मद का नाम, मिलाद में अल्लाह के बाद मोहम्मद का नाम, नमाज में तहियात के बाद अल्लाह के बाद मोहम्मद का नाम, कोई भी मजलिस में जब तक के अल्लाह के नाम के बाद मोहम्मद का नाम नहीं आएगा वो मजलिस बेकार है।
नरासंस के माने आते हैं, जिसकी तारीफ की गई है, जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ होगी, उसी के बारे में वेद ने कहा है, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसः परस्तात। के अहमद, मोहम्मद साहब का कितना नाम बोलिए भाई, बोलिए कितना, बहुत नाम बताओ, 1000 2000 नाम बताओ। मोहम्मद साहब का दो नाम, कितना नाम, कितना नाम, दो नाम कुरान में, एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद, एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद। मोहम्मद तीन जगह आया है कुरान में और अहमद एक जगह आया है कुरान में। तो वेद में आया है, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसः परस्तात, के अहमद ईश्वर का यानी अल्लाह का ज्ञान रखने वाला, अल्लाह का इल्म रखने वाला महान पुरुष इंसान है। मोहम्मद साहब जब इस धरती पर आए तो सबसे पहले शिक्षा की तालीम दी यानी इल्म की तालीम दी, शिक्षा की तालीम दी यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कुरान में जब सबसे पहली सूरह नाजिल हुई गारे हरा में, तो ये भी पढ़ने के लिए कहा गया है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक। और वेद में भी कहा गया है, वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्ताद, के अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला महान पुरुष इंसान है, रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। और असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर आस्था लाना जरूरी है। पैदा करने वाला ईश्वर कितना, एक, हम सबका बाप एक, हम सबका धर्म एक, जिस मुल्क में रहते हैं वो एक, हमारा पैगंबर भी एक, क्या हमारा कलमा भी एक है। थोड़ा उठा करके देखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसको पढ़ा जाता है तो हमारे सनातन धर्मी भाई कहते हैं कि देखो मुसलमान कलमा पढ़ रहा है, इसको चीर हो जाती है। लेकिन जब संस्कृत को उठा करके देखते हैं तो वेद में है, ब्रह्म सूत्र बोलते हैं इनके यहाँ जो संस्कृत में है, एकम ब्रह्मम धोते नास्ति नहन नास्ति किंचन, के ईश्वर एक है दूसरा नहीं है, नहीं है नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई उपासनीय नहीं, कोई पूजनीय नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपासनीय नहीं बल्कि अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं, यानी पैगाम पहुंचाने वाले हैं। बात अब आई समझ में, अब थोड़ा पूजा करने का तरीका बता करके मैं दुआ करा देता हूँ। जब हम वेद को उठा करके देखते हैं और गीता को उठा करके देखते हैं तो पूजा करने का तरीका आया है। अब हमारे हिंदू भाई जो मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं और सीधे जाकर के पूरे जिस्म को वो टेक देते हैं तो वेदों के अनुसार वो गलत है। उसको कहते हैं संस्कृत में साष्टांग प्रणाम, क्या कहते हैं साष्टांग प्रणाम, उसको अरबी में कहते हैं यानी सलात। मैंने पहले एक बात आपको कहा था, पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है, माउन है, पानी जो है एक ही हुआ लेकिन उसके भाषाएं बदल गई है। जहाँ जहाँ जाएंगे संस्कृत में उसका नाम है यानी नमाज को संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम और अरबी में कहते हैं सलात, यानी सात अंकों को ईश्वर के सामने टेकना यानी अल्लाह के सामने टेकना, ये है पूजा करने का तरीका। वो कैसे, जब हम खड़े होते हैं कयाम की हालत में तो हमारा पैर जो है, दो पैर जो है ज़मीन से लगा हुआ होता है तो दो हो गए, जब हम सजदे में जाते हैं तो दोनों घुटने हम लगाते हैं तो कितने हो गए, चार। और सजदे से पहले जब हम पेशानी रखना चाहते हैं तो दोनों हाथ हम रखते हैं तो कितना हो गया, छः। और पेशानी को हम ज़मीन पर
टेक देते हैं तो कितने हो गए? सात। इसी को कहते हैं साष्टांग प्रणाम और इसी को अरबी में कहते हैं सलात, यानी पूजा करने का तरीका, यानी नमाज पढ़ने का तरीका, यानी पूजा करने का तरीका। ये काम, ये जिम्मेदारी हम सब की ये जिम्मेदारी है मुसलमानों। मैंने जितनी बातें आपके सामने बताई है, जितनी भी बात मैंने की है, इस बात में ये हमें दिल पे हाथ रख के बताइए कि एक भी बात अगर उसके सामने रखेंगे, इसमें कोई भी बात उसको बुरा लगने वाली है या दूर कर रही है हमसे? जब बुरा नहीं लगेगा और ये बात बिल्कुल हक है और सच है तो ये काम करेगा कौन मेरे भाइयों? दिल पे तो हाथ रखिए। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए, सबों ने यही काम न किया? सहाबा ने अपना घर छोड़ दिया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, कहां गए? किसी सहाबी का मजार हिंदुस्तान में है, किसी नबी का मजार जो है फैजाबाद अयोध्या में है, इस अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए, महाजल पलावन वाले मनु आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। दिल पे हाथ रख के बोलो मुसलमानों, ये काम हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हमने नहीं किया तो सजा क्या होगी अल्लाह की तरफ से? सुनो, कुरान में अल्लाह पाक ने कहा है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो एक अंधों से भी काम लेता है, एक मच्छर से भी काम लेता है। कुरान में अल्लाह पाक ने कहा वयस्तबदिल कौमन गैरकुम, अगर तुम अगर नहीं बदले, तुमने अगर तौबा नहीं की और इस काम को नहीं किया तो हम तुम्हें तब्दील करेंगे, बदलेंगे। क्या मौलाना है ना लिखा? हम तुम्हें बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जब ये बल्ब हमारे सर पे जल रहा है ना, ये फ्यूज हो जाए, इसको हम कहाँ रखेंगे? अलमारी में। कहाँ फेंकेंगे? ऐसी जगह पर कबाड़ी में जहां पर कोई जाना भी गवारा ना करे। और जब तक के ये जल रहा है सर के नीचे रखते, पांव के नीचे या सर के ऊपर? सर के ऊपर। अल्लाह ताला का मकसद यही है वयस्तबदिल कौमन गैरकुम, अगर तुम तब्दील नहीं हुए, अगर तुम नहीं बदले तो तुझे हम हटाएंगे। कैसे? पहले हम जलील करेंगे। और ये हुआ है, आपने यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा कि बर्मा के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है वो क्यों हुआ? कि मौलाना अली मियां नदवी ने आज से 7 साल पहले कहा था बर्मा के मुसलमानों से, ऐ बर्मा के मुसलमानों तुम 3 काम करना, तिजारत करने के लिए आए हो ईमानदारी से तिजारत करना, 1, नंबर 2 अपने औलाद को दीन की तालीम देना।